मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के करीबी और बीजेपी के दिग्गज नेता प्रहलाद गुंजल गुरुवार यानी आज बीजेपी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए। गुंजल ने जयपुर स्थित कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय पर पार्टी ज्वाइन की है। द पीके टाइम से खास बातचीत करते हुए गुंजल ने कहा कि प्रहलाद गुंजल जी इतने सालों से बीजेपी की सेवा करने के बाद ऐसे राजनीतिक समीकरण क्या बिगड़े कि आपको आज कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी? जिल्लत महसूस कर रहा था, जिल्लत, अपमान के घूंट फिर रहा था। मैं नहीं, हजारों लोग, और किसी न किसी को दरवाजा खोलना था उस जिल्लत के खिलाफ, मैंने खोल दिया। बाकी वोट के रूप में हजारों बीजेपी के कार्यकर्ता खोल देंगे। प्रहलाद जी, बीजेपी 25 में से 25 सीटों के लक्ष्य को लेकर चल रही है, क्या लगता है कि इस बार बीजेपी अपने लक्ष्य को साथ देगी या फिर कांग्रेस यहां से जीत कर? की तो बात कर रहा हूँ, -1 कोटा। बूंदी लोकसभा सीट से उनका कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना तय माना जा रहा है। कांग्रेस के होते ही क्या बोले प्रहलाद गुंजल? 5 साल हो गए घुट घुट कर रहते हुए, वहाँ एक आदमी की मर्जी से पार्टी चलती है, संगठन चलता है, उसकी कार्य योजना तय होती है। सामूहिक निर्णय वाली बातें बेईमानी है। सीनियरिटी को नजरअंदाज किया गया, वो तो सब देख रहे हैं पूरे राजस्थान के लोग, और जनता जवाब देगी इस चुनाव में। इसका क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं कोटे से? ये मैं, कोई शर्त मेरी नहीं है, मैं बिना शर्त एक व्यक्ति की जो कोटा संगठन पर कब्जा हो गया एक परिवार का, उससे उपेक्षित होकर मैंने ये निर्णय लिया है। मैंने ऐसी कोई शर्त नहीं रखी कि मुझे कोई लोकसभा का चुनाव लड़ा है। कौन से बड़े कद के नेता, कौन से बड़े बड़े पद पर बैठ जाने से बड़ा कद नहीं होता है। और आजकल टेंडेंसी जनता की ये हो गई कि इस पावर में बैठा वो माई बाप है, और इसलिए जिनके पास लड़ने की क्षमता है वो पदों पर बैठे हुए लोगों को उन कदों का पैमाना नहीं मानते। कदों का पैमाना तो जनता तय करती है। बिरला जी के खिलाफ इतना बड़ा असंतोष है, इस बार हाड़ौती की जनता जो बीजेपी मेंटेलिटी की भी है, उनको लगातार 10 सालों से मीठी गोली बांटने का दंड देने वाली है। के खिलाफ कांग्रेस चुनाव लड़ाएगी, मैं ताकत से उसका साथ दूंगा। इस बारे में वसुंधरा जी से क्या बात करनी? प्रहलाद गुंजल अपने निर्णय खुद करता है भाई, छुई मुई थोड़ी हूँ। सर, आपने कहा कि बीजेपी पार्टी नजरअंदाज कर रही है आपको, वसुंधरा जी को लेकर सुनने को मिल रहा है कि पिछले 30 सालों में भारतीय जनता पार्टी में इतना अपमानित हुआ हूँ जिसकी कल्पना नहीं हो सकती। एक बार महामंत्री बनाया 4 दिन में हटाया, एक बार दोबारा महामंत्री बनाया 4 महीने में हटाया, एक बार जिला अध्यक्ष बनाया 1 महीने में हटाया, एक बार प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया 4 दिन में हटाया। मेरी ताकत बढ़ाने के लिए मेरे फेफड़ों में संक्रमण हो गया, मेरी एनर्जी का 10% इस्तेमाल भी यहाँ जो सिद्धांतों की रीति नीति के नाम पर प्रोपेगंडा करके व्यवस्था को कब्जा करने वाले लोगों ने मेरी क्षमताओं का इस्तेमाल नहीं होने दिया। अब खुले मैदान में काम करेंगे सर। मैं क्या कह रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष जी, मैं MLA था तब, पंचायत समिति मेंबर थे। अब ठीक है, समय की बात है, किसी को पार्टी अवसर देती है, हमको अवसर नहीं दिया। दम घुट रहा था, फेफड़ों में संक्रमण हो रहा था, क्षमता से काम नहीं कर पा रहे थे, अब जरा फेफड़ों में। राजस्थान में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। प्रहलाद गुंजल आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आपको बता दें कि आज प्रहलाद गुंजल बीजेपी का साथ छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है।